नमस्कार मित्रों, मैं आपका वास्तु ज्योतिष सलाहकार आशीष कुमार मालटन आपका अपने YouTube चैनल उपाय ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा आप जानते हैं, मैं इस YouTube चैनल पर आपको लगातार वास्तु संबंधित, ज्योतिष संबंधित और आपकी समस्याओं संबंधित उपाय बताता हूं। मेरे बताए हुए उपाय अत्यंत आसान और छोटे छोटे होते हैं, जिनको अपना कर आप लाभान्वित हो सकते हैं और होते रहते हैं। उसी श्रृंखला में आज मैं आपको रोग निवारण हेतु स्वास्थ्य प्राप्ति होती एक छोटा सा और बहुत भावशाली उपाय बता रहा हूं। मित्रों, इस उपाय को अगर आप करेंगे या किसी के लिए करवाएंगे, आपके घर में कोई बीमार है, उसको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आइए जानते हैं उपाय के बारे में। आपके परिवार में, आपके घर में या आप स्वयं किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित हैं, कोई असाध्य रोग है, तो उसके निवारण हेतु भगवान शंकर की आराधना करिए। लघु मृत्युंजय का, महामृत्युंजय का जाप करिए। साथ ही साथ एक छोटा सा उपाय करिए जो प्रत्येक सोमवार को करना है आपको, और अत्यंत प्रभावशाली उपाय है ये। उसके लिए ज्यादा कुछ आपको कुछ नहीं करना है। अपने घर के मंदिर में, अपने पूजा स्थान पे जहां पूजा करते हैं, वहां पे शिवलिंग के समक्ष बैठ जाएं। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है, आपके पूजा स्थान पे शिवलिंग नहीं है, तो किसी मंदिर में चले जाएं। मैं तो ये कहूंगा कि आप अपने पूजा स्थान पे, अपने घर के पूजा स्थल पे, अपने मंदिर में एक शिवलिंग स्थापित कर दीजिए, चाहे वो पारदेश्वर हो, चाहे वो नर्मदेश्वर हो, चाहे स्फटिक का हो या अन्य किसी धातु का हो, लेकिन शिवलिंग स्थापित कर लें और नित्य उसकी पूजा करें। सोमवार सोमवार मित्रों, आपको कुशाजल की व्यवस्था करनी है। कुशाजल की व्यवस्था कैसे करनी है? कुशा ले आइए और जल में डाल दीजिए। ये जल कुशाजल की तरह हो जाता है, कुशाजल हो गया, तो बना के रख लें इसको। थोड़ा सा, थोड़ी देर भीगा रहने दें, जल में कुशा के गुण आ जाए थोड़े से, और भगवान शंकर के सामने बैठ के अपना संकल्प तो कर ले लें कि मैं ये पुत्रीय गौत्रीय निवासी, मैं अपने रोग शांति हेतु, कष्ट निवारण हेतु, स्वास्थ्य प्राप्ति हेतु, आरोग्य प्राप्ति हेतु, हे भोलेनाथ, हे मृत्युंजय महादेव, आपकी पूजा अर्चना कर रहा हूं, आपका अभिषेक कर रहा हूं, आप पे पदार्थ चढ़ा रहा हूं, इसके प्रभाव से मुझे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कराइए, शीघ्रता शीघ्र मुझे स्वस्थ करिए, मुझे आरोग्यवान बनाइए। इतना कहने के उपरांत शिवलिंग को किसी पात्र में, कटोरे में, प्याले में, थाली में रख लें, जिससे जल बहना चालू हो। अब जो कुशा जल आपने बनाया था, उस कुशा जल को धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए या महामृत्युंजय का जाप करते हुए या लघु मृत्युंजय का जाप करते हुए उस जल को धीरे धीरे, बहुत आराम से, बहुत ही प्रेम से, बहुत ही श्रद्धा से भगवान के ऊपर चढ़ाएं, अर्पित करें और सोचते रहें कि ईश्वर आपको स्वास्थ्य लाभ दे रहा है, आपको आरोग्यवान बना रहा है। अब आपने कुशा जल चढ़ा लिया। कुशा जल चढ़ाने के बाद दूध लें, गाय का कच्चा दूध। गाय का कच्चा दूध लेके जितना दूध है उतना ही जल मिला दें। कहने के तात्पर्य कि आधा दूध होगा, आधा जल होगा, क्वांटिटी करीब करीब बराबर रखिएगा। ऐसा नहीं कि अधिक दूध हो जाए थोड़ा जल हो जाए या अधिक जल हो जाए थोड़ा दूध हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। लगभग समान रूप से आधा दूध होगा, आधा जल होगा, दोनों को मिला के फिर से पुनः शिवलिंग के ऊपर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए या लघु मृत्युंजय का जाप करते हुए या महामृत्युंजय का जाप करते हुए इसको चढ़ाइए। आप वो दूध मिश्रित जल जो है उसको चढ़ाएं भगवान के ऊपर। चढ़ाने के उपरांत थोड़ा सा गंगा जल अगर उपलब्ध हो आपके पास तो गंगा जल चढ़ा दें। नहीं उपलब्ध है कोई दिक्कत नहीं मित्रों, स्वच्छ जल को चढ़ा लीजिए। गंगा जल मानते हुए मन में कामना कर लीजिए कि
यही ये जल आपके पास उपलब्ध है, ये गंगा जल है, और ईश्वर से प्रार्थना करिए है भगवान इसको गंगा जल बना दो, और वो भगवान के ऊपर लोटे से धीरे से चढ़ा दीजिए। अब भगवान को पोंछ के निकाल लीजिए, भगवान को स्वच्छ कपड़े से पोंछ के उनका जहां आसन जहां आपने स्थापित कर रखा था पूजा स्थान पे, वहां पे उनको विराजमान कर दीजिए, बिल्कुल पोंछ लीजिएगा साफ से, उसमें कुछ लगाना रह जाए स्थापित करने के बाद। अब आपकी श्रद्धा अनुसार उस पर जो भी चढ़ाना चाहें भगवान के ऊपर आप वो चढ़ा दें, आप भस्म चढ़ाना चाहते हैं भस्म चढ़ा दें, आप चंदन चढ़ाना चाहते हैं चंदन चढ़ा दीजिए, अगर आप इत्र चढ़ाना चाहते हैं इत्र चढ़ा दीजिए, पुष्प चढ़ाना चाहते हैं पुष्प चढ़ा दीजिए, बेलपत्र चढ़ाना चाहते हैं बेलपत्र चढ़ा दीजिए, शमी पत्र चढ़ाना चाहते हैं शमी पत्र चढ़ा दीजिए, शमी का फूल उपलब्ध है आपके पास शमी का फूल चढ़ा दीजिए, मंदार पुष्प अगर उपलब्ध है और आप चढ़ाना चाहते हैं वो चढ़ा दीजिए, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, सामग्रियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है, आपके पास क्या क्या पदार्थ सामग्री उपलब्ध है वो चढ़ा दीजिए। एक काम जो जरूर करना है जो प्रमुख है जो इस पूजा में सबसे उत्तम फल प्रदान करेगा वो करना है काली राई। अब घर के शिवलिंग में एक मुट्ठी काली राई समर्पित करने में दिक्कत आएगी आपको, इसलिए मैंने कहा था कि मंदिर में अगर घर के शिवलिंग में एक मुट्ठी काली राई चढ़ा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं मुझको, एक मुट्ठी काली राई लेंगे। अब चढ़ाना कहाँ है ये देखिए, शिवलिंग है यहां पे, ये जलहरी है, इसको ऐसे समझ लें आप, मेरे हाथ को देखे ये जलहरी मान लीजिए यहां पे, ये जहां से जल निकलता है और ये शिवलिंग है बीच में जो कैप दिख रही है आपको, ये शिवलिंग है, तो ये शिवलिंग जिधर से जल गिरता है ऐसे रख लें इसको, तो बस शिवलिंग के सामने जलहरी पे जहां जहां जल गिरता है वो उसी के पास आपको एक मुट्ठी काली राई रख देनी है। उस जगह आपको एक लाइन सी दिखाई देगी, कहीं कहीं शिवलिंग में सर्प बना रहता है, बस सर्प के मुख के पास या लाइन जहां खत्म होती है वहां पे आपको एक मुट्ठी काली राई रख देनी है और भगवान को प्रणाम करना है। फिर आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में अपने आरोग्यता के बारे में प्रार्थना करनी है, बारंबार उनसे प्रार्थना करिए कि मुझे आरोग्यवान बनाओ मुझे स्वस्थ करो। मित्रों इसमें एक ही और ध्यान रखिएगा, आप निगेटिव मत बोलिएगा कि मेरे रोग को दूर कर दो, बहुत कष्ट है मेरी बीमारी को दूर कर दो, तो ऊर्जा आपकी लग जाएगी बीमारी पे रोग पे। आपको पॉजिटिव चीजें बोलनी है, रोग और बीमारी नहीं बोलना है, कष्ट नहीं बोलना है, आपको बोलना मुझे स्वास्थ्य प्रदान करिए मुझे आरोग्य प्रदान करिए, पॉजिटिव चीज वही आप चाहते हैं, स्वास्थ्य चाहते हैं स्वास्थ्य बोलिए, आरोग्यता चाहते हैं आरोग्यता बोलिए, निरोगता चाहते निरोगता बोलिए, हम जो चाहते हैं वही बोलेंगे, ईश्वर हमको भगवान हमको भोलेनाथ हमको मृत्युंजय महादेव हमको देवादेव महादेव हमको वही प्रदान करेंगे जो हम बोलेंगे, इसलिए हम बीमारी रोग कष्ट बाधा इनका कोई बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे हम भगवान से मांगेंगे तो सिर्फ आरोग्यता मांगेंगे निरोगता मांगेंगे स्वास्थ्य मांगेंगे संपन्नता मांगेंगे, और जो हम मांगेंगे वो हमको मिलेगा। अतः फिर से अनुरोध है मित्रों आपसे कि आप पॉजिटिव वर्ड का यूज करिएगा, पॉजिटिव शक्ति का संचार करिए अपनी पूजा में, और वहीं बैठ के पुनः मंत्र का जाप करें स्तोत्र का पाठ करें, और मित्रों ये लगातार आप 90 दिन तक क्रिया नित्य कर सकते हैं तो नित्य कर लीजिए, अन्यथा हर सोमवार कर लें, चमत्कारिक लाभ मिलेगा। तो मित्रों चमत्कारिक लाभ ये मेरा अजमाया हुआ मेरा अनुभूत प्रयोग है, मैं विगत 22 वर्षों से ज्योतिष वास्तु के कार्य में संलग्न हूं प्रोफेशनली व्यावसायिक रूप से, और मैंने इसके सैकड़ों नहीं हजारों चमत्कार देखे इस प्रयोग के, तो आप भी करिए और लाभान्वित होइए मित्रों। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मित्रों इसके बारे में अवगत कराएं, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए शेयर करिए।